हाय फ्रेंड्स, मैं उदय मिश्रा और आप देख रहे हैं MBS टेक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अभी 2020 में 2021 में प्रमोट किए गए हैं 12th के स्टूडेंट, वो 12th के स्टूडेंट अब एडमिशन वो अपना ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज ढूंढ रहे होंगे। उनको अभी कन्फ्यूजन होगा कि हम एडमिशन जो बीटेक में करा रहे हैं तो किस कॉलेज में कराया जाए, रामस्वरूप में कराया जाए, BBD में कराया जाए, गोयल में कराया जाए या लखनऊ में, कौन से कॉलेज कैसे हैं, उनको इस बारे में नहीं पता है। तो आज की इस वीडियो में हम एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं सिर्फ BBD के लिए, जो BBD पर हम बात करेंगे खुल के कि BBD में क्या फैसिलिटी है और कैसा कॉलेज है BBD, और क्या आपके लिए पढ़ना बीटेक करना या फिर बी फार्मा करना, डी फार्मा करना, कोई भी ग्रेजुएशन करना, तो आपके लिए क्या सही होगा, क्या नहीं सही होगा और कैसा इसका लुक है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो हम सबसे पहले, आप लोग देख रहे होंगे कि BBD का कॉलेज जो है वो इसका ग्राउंड और इसका जो फिगर है वो आप लोग देख कर तो बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है और बहुत ही दिखने में इंटरेस्टेड है। तो हम लोगों को ऐसा होता है, जब हमने शुरू में अपना 12th क्रॉस किया, उसके बाद में 12th पास करने के बाद, आउट करने के बाद में हमें फिर कंफ्यूजन होता है। हमें था कि हम एडमिशन कहाँ कराएं, कैसा होगा कॉलेज, क्या होगा। फिर हमने डिसाइड किया कि कॉलेज में कोई जो पढ़ाई करना है तो कहीं भी रहेंगे तो हमें पढ़ाई करना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि किसी भी कॉलेज में हम करा लें एडमिशन और वो कॉलेज हमें दिखने में ना अच्छा लगे या इंटरेस्ट ज़्यादा उसमें ना लगे। तो यदि हम कॉलेज जाएंगे ही नहीं तो हम फिर वहाँ पर पढ़ाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये भी बात ज़रूरी है जानना कि कॉलेज देखने में भी अच्छा होना चाहिए और ताकि हमारा वहाँ पर पढ़ने में, वहाँ पर हम कॉलेज में जाएं और हमारा इंटरेस्ट लगे, इंटरेस्ट और हम वहाँ पर जाके पढ़ें। तो आप इसके लिए देखें तो कॉलेज BBD की जो फीस है वो कुछ ज़्यादा है, लेकिन BBD सबसे अच्छा दिखने में कॉलेज है और इसका जो ग्राउंड है या फिर कैंपस के बारे में, तो इसका कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसमें 4 कॉलेज अपलेटेड है। एक है BBD बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी है, एक देन एक है बाबू बनारसी दास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, और फिर तीसरा कॉलेज जो है वो बाबू बनारसी दास नेशनल नॉर्दर्न इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और फिर चौथा कॉलेज है जो वो बाबू बनारसी दास इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये 4 कॉलेज हैं। अब 4 कॉलेज में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इन 4 कॉलेज को डिफरेंस सिर्फ इसलिए डिवाइड किया गया है ताकि बच्चे ज़्यादा ले सकें, इसलिए इन्होंने डिवाइड कर रखा है कॉलेज में। और बात करें तो सबसे पुराना कॉलेज है जो वो BBD NITM है, और उसके बाद में फिर BBD NIT है। यदि आपको एडमिशन मिलता है BBD NIT में तो BBD NITM जो है वो सबसे अच्छा कॉलेज है, तो BBD NITM में आप एडमिशन लीजिए, नहीं आप कहीं भी एडमिशन BBD NIT में भी ले सकते हैं और बहुत अच्छा कॉलेज है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो बात करें तो ये यूनिवर्सिटी है हमारी, ये यूनिवर्सिटी है और ये फिर NITM है NITM का, और यहाँ का कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा है, दिखने में बहुत अच्छा कॉलेज है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा जो है वो BBD का इंजीनियरिंग कॉलेज है, और ये यहाँ पर हम बात करें तो ये BBD NITM है ये वाला कॉलेज, ये BBD NITM है। हम वहाँ के स्टूडेंट भी हैं NITM की, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पता है। ये हमारा NITM है BBD, और ये हमारी ये मेरा स्टेडियम है कॉलेज का, बहुत बड़ा स्टेडियम है। यहाँ पर हर प्रकार की प्लेयर की व्यवस्थाएं हैं, हॉकी एंड स्टेडियम है, एंड बॉलीवुड के लिए, फुटबॉल के लिए, हर चीज़
और क्रिकेट के लिए स्टेडियम बहुत बड़ा है। देन पीछे यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ये हॉस्टल है कॉलेज का। और उसके बाद में आप देख रहे हैं ये अखिलेश दास गुप्ता जो यहाँ का एडिटोरियम्स है, ये आप देख रहे हैं। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप BVD सही कॉलेज है, और आप जो इस कमेंट में बताएंगे तो हम BVD के अलावा हम उस पर रामस्वरूप और गोयल पर भी वीडियो बना देंगे। हमें उस कॉलेज के बारे में भी ये नॉलेज है क्योंकि मैंने पहले एडमिशन के लिए वहाँ पर गए थे और वहाँ भी हम उसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, और हम यहाँ पर प्रॉपरली रह रहे हैं तो इसके लिए हमें ज़्यादा पता है। तो हम आपको बता देंगे कि कैसा कौन सा कॉलेज है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ का व्यू, कॉलेज का जो व्यू है बहुत अच्छा है BVD का, और यहाँ पर लैब की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, काफ़ी बड़े बड़े लैब हैं, अच्छी लाइब्रेरी भी हैं और बहुत सारी यहाँ पर फैसिलिटी हैं। आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छा कॉलेज है। ये आप स्टेडियम देख पा रहे होंगे, स्टेडियम इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पर ये जो है रेडियो, इनका खुद का रेडियो है अपना, और जिसे BVD 90.8 FM रेडियो इनका है। ये देन सामने एक क्रोन मॉल्स भी है, तो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, और पास में यहाँ पर पास में गोयल है, रामस्वरूप है, और सिटी ला कॉलेज है, तो 4-6 कॉलेज भी हैं साथ में। तो BVDE लखनऊ में सबसे अच्छा कॉलेज हमारे, हम कहें तो हम सजेस्ट कर रहे हैं कि BVDE अच्छा कॉलेज है। तो आप ना, हम यहाँ के सिर्फ स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट हैं जो सच्चाई है वो हम बता रहे हैं कॉलेज की, ना कि हम यहाँ का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बस सिर्फ सच्चाई बता रहे हैं। यदि आपको कॉलेज आए और देखें पसंद आए तो BVDE बढ़िया कॉलेज है। BVDE में सबसे मेन बात है कि यहाँ का जो कैंपस है वो बहुत ही दिखने में आकर्षक है, और यहाँ जब हमारा वहाँ कहीं कॉलेज या कहीं जाने में कोई अच्छा लगता है तो हम वहाँ पर जाते हैं, और जब जाएंगे कॉलेज में तभी हम पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज कहीं भी एडमिशन करा लिए और दिखने में ना अच्छा हो तो हमें बाद में ऐसा होता है, महसूस होता है कि यदि हम उस कॉलेज में होते तो क्या बात थी, तो हम ज़्यादा पढ़ाई कर पाते या ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर पाते। तो इसके लिए आप सबसे पहले शुरुआत में 12th में जब एडमिशन कराना होता है, 12th के बाद में ग्रेजुएशन में, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, किसी भी कॉलेज में एडमिशन वो करा लेते हैं, उनको नहीं पता होता है कि कैसा कॉलेज है। तो सबसे पहले है कि एडमिशन कराने के दौरान अपनी गार्जियन को ज़रूर रखें साथ और उनसे एडवाइस लेते रहें, ताकि आपको आपको तो सिर्फ यही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, एक्साइटमेंट रहता है कि बस किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए मेरा बस। तो इसलिए ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, तो लेकिन मेरे गार्जियन थे तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया अच्छी तरीक़ा से, और हमने समझ में उनकी बातें आईं। तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो लैब वगैरह है बहुत सारा, बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक ग्रीन सिटी यहाँ की है, ग्रीन सिटी भी है। तो आज के इस वीडियो में बस हम यही बताएंगे, और आप जो चाहें तो कमेंट करके बताएंगे तो हम यहाँ के फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बता देंगे, और आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको सजेस्ट करेंगे। ये जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।